बबूल के पेड़ से लटका मिला युवक युवती का शव, देर रात से थे लापता। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं आरिफ खान और आप देख रहे हैं श्रावस्ती टुडे न्यूज। बता दें कि उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां युवक युवती का शव पेड़ से लटका पाया गया है। दोनों के शव को एक साथ फांसी के फंदे पर झूलता देख स्थानीय लोगों के होश उड़ गए। आनन फानन में इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शव को अपने कब्जे में लेकर मामले की छानबीन शुरू कर दी। आशंका जताई जा रही है कि दोनों ने प्रेम प्रसंग में जान दी है। हालांकि पुलिस अभी इस मामले के बारे में कुछ भी कहना नहीं चाह रही। जानकारी के अनुसार बांदा जिले के अंतरा थाना क्षेत्र के लोधनपुरवा में युवक और युवती का शव पेड़ में फांसी के फंदे से झूलता हुआ पाया गया। अभी तक ये पता नहीं चल सका है कि दोनों ने आत्महत्या या फिर किसी ने हत्या कर उनके शव को पेड़ से लटका दिया। इन सब के बीच ऐसी आशंका जताई जा रही है कि प्रेम प्रसंग के चलते दोनों ने सुसाइड कर लिया। बताया जा रहा है कि दोनों देर रात से ही घर से लापता थे। स्थानीय लोगों ने जब दोनों शव को पेड़ से लटकता हुआ देखा तो उन्होंने तुरंत इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शव को अपने कब्जे में लेकर मामले की छानबीन शुरू कर दी। मेरा नाम कमलेश कुमार है। आप बच्चे के पिता हैं? जी। बताइए घटना कब और कैसे हुई? घटना यार भैया हमको कुछ मालूम नहीं है। इन बच्चे को इन लोगों ने बोला लिया किसी भी प्रकार से। अब बुला करके पता नहीं उसको घर में मारा कि कहीं खेत में मारा। अब मार करके जा करके फांसी में लटका दिया। लड़की का रूपरेखा लेकर के बहाना बना दिया। ये आप एक शक के आधार पे आरोप लगा? शक का, उसकी चोटें हैं लड़के के पास, लड़की के कहीं कुछ नहीं है। अच्छा, वो फंदा बता रहा है कि लड़के ने फांसी अपने हाथ से नहीं लगाया। जी बताइए इसमें इससे पहले कभी कोई चर्चा हुई थी? कभी चर्चा नहीं आई थी, कभी कुछ नहीं। प्रेम प्रसंग सुनने में कभी प्रेम प्रसंग कहीं कुछ नहीं। हमारा पूरा ये जानता है मोहल्ला, इस तरह का बच्चे नहीं था। लड़की के माने आरोप लगा रही है कि बार बार परेशान किए जाने की इसके बाद हमने इसके बाद अब वो किए हैं, इस तरह की घटना किए हैं तो वो तो तमाम बहाना बना है। इसमें आपको कहना है कभी आपको शिकायत आई भी? कभी नहीं आई, कभी आज तक नहीं आई। न ये सुनने को मिला। वो पहला फुसला करके ले गए, मैं तो खेत में पानी लगा रहा था, मैं तो पानी लगा रहा था। ये जिस तरह का फंदा लटका हुआ है ये फंदा। अच्छा आपको ये बताइए शक किस चीज के ऊपर है? शक है वो तीनों भाई की शक है। और शक ये लोगों ने मार करके सब लोग बिल्कुल फांसी लगाए हैं। ये हो गया बच्चू जोशी, और ये हो गया क्या बोलते हैं नाम, शुभम आदित्य देशराज, और इनकी माँ भी। सब लोग समेट करके इसको बच्चे को बेड़ करके मारा, फांसी लगाया। बाद में ये जो है चार पहिया वाहन से ले गए और वहाँ लटका दिए हैं। अच्छा एक चीज मुझे और बताइए, क्या ये बात सत्य है कि इसके बच्चे बाहर रह रहे हैं या यहीं हैं? इसके बच्चे यहीं रहते हैं। एक बार बाहर रहता और सुबह यहीं रहते हैं। पिछले दो तीन दिनों के अंदर देखे गए कोई बच्चे? हाँ सब यहीं थे, दो तीन दिन। हाँ सब यहीं थे, सब बच्चे यहीं हैं। और पेड़ पर एक लड़की और एक लड़के का शव बरामद हुआ है। प्रथम दृष्टया जांच में आपको क्या मिला है, क्या कार्रवाई की जा रही है? ये एक युवक और एक युवती, उनकी उम्र 20-22 वर्ष लड़के की और लड़की की लगभग 17-18 वर्ष है। रात में दोनों घर से निकले हैं। प्रथम दृष्टया जो जानकारी मिली है और इनका शव बबूल के पेड़ पर लटकता हुआ मिला है। ये पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। पोस्टमार्टम डॉक्टरों के पैनल से कराएंगे और इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई जा रही है। तहरीर प्राप्त हो गई है, जो भी साक्ष्य आएगा तदनुसार उसमें वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। परिजनों ने क्या आरोप लगाए हैं और प्रथम दृष्टया मामला किसका लग रहा है? प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग का है, लेकिन अभी कोई बात कह पाना कि घटना एग्जैक्ट क्या हुई है बहुत ही प्रीमेच्योर होगा। लेकिन इसमें पूरी तरह से हमारी फील्ड यूनिट की भी टीम आई थी, डॉग स्क्वाड भी आया था, सारे साथ संकलन की इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी साक्ष्य मिलेगा उसके आधार पर ही इसमें वैधानिक कार्रवाई।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।